सलमा, माँ सलमा, अब पता नहीं कम्मा कद कहाँ फिरती रहे। ये तो रोटी खानी थी, भूख लग रही है। आज अंधे आज, आज ना बदलाऊं तो मेरा नाश ऐसी ली नहीं। कम्मा कद इधर उधर फिरती रहे, पता नहीं कहाँ कहाँ। आ गई तू? अरे क्या हुआ, कैसे नाराज हो रहे हो? तुम्हें पता है आज मैं कहाँ गई थी? भाई यही तो पूछने को बैठा हूँ। बोल। तुम्हें पता आज मेरे अब्बू का फोन आया था, आज मेरा भाई आने वाला है। फोन सुनती भी रह कम मकत, तुझे पता मुझे भूख लग रही है, ना सालन पकाया ना रोटी पकाई। क्या पका दूँ जब घर में कुछ है ही ना, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ बड़ी परेशान हूँ। रोटी पका दे वरना मैं चला। तुम कहाँ चले, जाना तो मुझे अपने अब्बू के घर। और सुनो, जब तक कोई काम ना कर लेना, मुझे लेने मत आ जाना। धमकी दे रही है, शेख चिल्ली भी धमकी दे रही है, जा निकल जा, निकल जा। धमकी की सुन लो, एक बार चली गई तो दोबारा आने की ना हूँ मैं। हाँ, जा, जाकर दिखला, मैं भी लाना जानू और देख लूँ तुझे भी और तेरे अब्बू को भी। जब मैं अब्बू के घर मिलूंगी तब ना। बस तू कहीं चली जाइए, फंसी ले आऊंगा तुझे। मुझे ना है तुम्हारी जरूरत, मैं तो अपने घर चली बस। जा निकल जा कम वक्त। देखो मैं कहीं भी जाऊँ और अगर तुम वहाँ आ भी गए तो मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। जा निकल ले, देर मत कर। मैं क्या अपने आप जाऊंगी, मेरा तो भाई आने वाला है, मैं तो उसके साथ जाऊंगी। बाजी लो, आ गया मेरा भाई। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम तेरी सोसो पर। तुम आ गए भाई जान, चलो यहाँ से चलते, मैं तो इसके लिए बुरी परेशान हूँ। ठीक है, निकलो दोनों बहन भाई। अरे दोनों को सीधा कर दूंगा और वही आकर देखूंगा तेरे अब्बू को भी और इस भाई जान को भी। कौन बदतमीज है जो बार बार घंटे बजा रहा है? कौन बदतमीज है, बार बार परेशान कर रहा है? अब का आया तो डंडे से खबर लूंगा। क्यों? मुझे कुछ काम है। इससे क्या काम है तुझे? तो मुल्ला जी तू है, तू ना वहां पर काम कर रखा। Thank you.
भाईजान अकेले ही खाओगे? नहीं नहीं मुल्ला जी, प्याज के साथ खा लो। मेरा मतलब है पूछोगे भी नहीं? अरे मुल्ला जी अपने मुंह में सन्नी नहीं दूंगा। बेटा अपना आप लाया होगा पका के? नहीं नहीं मुल्ला जी, मेरी बीवी ने पकाया, मेरी बीवी लड़ती नहीं है। नहीं लड़ती? लड़ती भी नहीं है। अगर मैं सलमा से नहीं लड़ता तो रोटी पका के देती। हाँ मैं इसलिए भूखा फिर हूँ क्योंकि मैं सलमा से लड़ा हूँ। मैं सलमा को लाता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे आए हो? मैं तू भी अकल का कोलू है। एक बात बता, अगर किसी की बीवी मई के जा रही हो तो उसका मियाँ किस लिए आएगा? मैंने सब सुन लिया, भाषण करो बंद, अपने घर को जाओ और सलमा को भूल जाओ। क्या कहा? सलमा को भूल जाऊं? अपनी बीवी को? मुझे उससे मिलना, उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। सलमा को हम नहीं भेजेंगे, वो यहाँ पे है नहीं, अपने मामा के घर। निकलो अपना यहाँ से, काम करो। ठीक है सर, मैं मामा के घर चला जाऊंगा। कहाँ रहते हैं तुम्हारे मामू? तुम मेरे भाई के यहाँ चले गए ना, तुम्हें मारेंगे बहुत। क्या कहा मारेंगे? यानी शेख चिल्ली को? भाई एक बार मुझे पता बता दे कौन से गांव में रहते हैं। मेरे मामा रहे हैं अबूपुर गांव में, सूरतपुरी और मिर्जापुरी नाम है उनका। जा चला जा। ठीक है परग मुकर निकल जा। चल चल निकल। परग मुकर ले, निकल ले। सारा खानदानी बेकार है। निकल। कैसे तू आई है? मुझे रोटी भी नहीं मिली सलमा। देखो शेख जी, मुझसे बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये गांव मेरे मामू का है। भैया तो मैं भी जानता हूँ तेरे मामू का गांव है। जानते हो तो वापस चले जाओ, अगर मेरे मामू ने देख लिया तो पीटेंगे बहुत, और मैं बचाऊंगी भी नहीं। मैं मान जा सलमा, मैं मान भी जा, घर चल घर। चाहे जो भी कह लो, मैं ना जाने वाली अपने मामू के घर से। नहीं जाने वाली? ठीक है, अगर तू नहीं जाने वाली तो मैं भी तेरे मामू का ही रहूंगा। मैं भी कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे मामू ने देख लिया ना तो तुम्हें काट के फेंक देंगे, और मैं बचाऊंगी भी नहीं। काट के फेंक देंगे? मैं तेरे मामू कसाई है क्या? कसाई से भी ज्यादा। और मेरे पीछे मत आना, अगर मेरे मामू ने देख लिया तो तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी। सलमा, अगर तेरे मामू को मैंने सबक नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम शेख चिल्ली नहीं, मगर एक शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त? भाई यही कि तू ये मत बतलाना कि अम्मी अभी भी है। ठीक है तो नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरे मामू तुम्हारे साथ भेजने वाले ना। हाँ ठीक है निकल निकल ले। नहीं निकला? ओ भाई जान, मिर्जापुरी का घर बतला दो मुझे। अरे मुझे ना पता। नहीं है पता? आ बतला दो भाई जान। मुझे ना पता? मैं बतला दो। जब मैं कह रहा मुझे ना। ठीक है भाई साहब, मुझे मिर्जापुरी का घर बतला दो। उसका घर तो बहुत दूर है, उसका फोन नंबर दे दूं? भाई साहब दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं फोन से बात कर लूंगा।
ठीक है भाई साहब की बड़ी मेहरबानी है, निकलो निकलो। भाई जान ये नंबर मिला दियो। हेलो हेलो हेलो, कौन? क्या मामू घर पे है? वे घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? हैं? अब घर पे नहीं है तो कहाँ मर गए? हैं? कौन बदतमीज है? आवाज़ नहीं तो बंद हो गया। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। अब क्या काम रह गया? क्या आप सूरतपुरी की बीवी बोल रही हैं? हाँ बोल रही हूँ। ठीक है बोलती रहो। क्या कह रहे हो? आप उनकी सगी बीवी बोल रही हैं सौतेली? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जुमे की नमाज पढ़ते वक्त बहुत बड़ा फट्टा हो गया मस्जिद में। हाँ दोनों भाइयों का लफड़ा हो गया। इंशाल्लाह आप जल्दी विवाह होने वाली हो। क्या? हाँ अरे सुनो, अगर आप विवाह हो जाए तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं विवाह में बहुत तरस खाता हूँ। या अल्लाह तू कौन है? क्या मैं तुम्हारा जमाई बोल रहा हूँ। फिर बदतमीजी, फर्क कमीने। देखा, तेरे मियाँ ने मस्जिद में भी लफड़ा किया। रहने दे, मेरा मियाँ तो बड़ा सीधा है, झगड़ा करता है तेरा मियाँ। हाँ हाँ तेरा मियाँ तो जलेबी के जैसे सीधा है। रहने दे, एक घंटा हो गया तुझे फोन पे बात करते हुए, चुप कर वरना लाइन काट दूंगी। हाय 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 हाय, इस उम्र में भी लाइन काटते हुए तुझे शर्म ना आती? हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मार दिया कमीने ने, नहीं छोड़ूंगा कमीने को। अरे भाई जरा उठाना, नहीं छोड़ूंगा उस कमीने। आप किसको नहीं छोड़ोगे बड़े भैया? अरे सगा भाई ये तो क्या हुआ, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को, जान से मार डालूंगा उस कमीने को। मगर क्या नाम है तुम्हारा तुम्हारे भाई का? मेरा नाम मिर्जापुरी है, और उस कमीने भाई का नाम सौतपुरी। इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हारे भाई भाई का झगड़ा, थूक दो गुस्सा। तुमने तो मेरे मुंह में थूक दिया कम मगर। अरे तुमने तो कहा था थूकने के लिए। तुमने तो मेरे मुंह में थूक दिया, मैं तो गुस्सा थूकने के लिए कह रहा था। अरे तो मैं तो अपने कमीने भाई के मुंह पर थूक रहा था। बताओ कैसा जमाना आ गया, भाई ने भाई को धक्का दे दिया। ठीक है अपने घर चलो, निकलो। अरे भाई आदि बहुत अच्छे हो तुम, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता, बता जिंगा जिंगा स्टेज करवाता फिर रहा हूँ। कुछ नहीं करते? नहीं। मेरी यहाँ नौकरी करोगे? हाँ, उस शान से मुझे और पिटवा दे। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, तनख्वाह भी मिलेगी और खाना भी खिलवाऊंगा। मगर काम क्या करना पड़ेगा? काम धाम कुछ नहीं है, उस कमीने भाई को बस सबक सिखाना है। क्या सोच रहे हो? ठीक है चलो 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 चले। नहीं है क्या 24 घंटे इसमें लगी रहती है? तो तेरे भी बाप का नहीं है, मेरे तो बाप ने लगवाया है। अल्लाह करे तू बेवा हो जाए और मैं तुझ पे तरस खाऊं। अल्लाह करे तू बेवा हो जाए और मैं नहरी रोटी खाऊं। दफा हो जाए कम वक्त कल मुही। अरे मामी क्यों लड़ती रहती हो तुम दोनों, बड़े शर्म की बात है। मैं ना लड़ती सलमा, यही लड़ा बदतमीज कल मुही। मैं लड़ती हूँ या कल मुही लड़ती है? तुम दोनों में से तो कोई भी कम नहीं है। अरे ये बोलनी तो छोटी मम्मी, तुम ही चुप हो जाओ।
तमीज से पैसा लड़की, तेरे लिए हम दोनों बराबर है। अरे मेरा मतलब है तुम दोनों लड़ाई मत करो, आखिर तुम दोनों एक ही हो। हम दोनों एक क्यों होते? इसे तो मैं है ना सबक सिखा कर आऊंगी। या अल्लाह क्या मुसीबत है, जब देखो झगड़ा ही झगड़ा। सलमा आने दे तेरे मामू को, आज या तो ये घर में रहोगी या मैं घर में रहूंगी, समझती क्या अपने आप को? सलमा आज ईद का दिन है, बनाना खाना छोड़ दूंगी, आज इस कलमा को कोसूंगी सारा दिन मैं। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ, मामू आने वाले हैं, तुम दोनों लड़ाई बंद करो, चलो जाओ अपने कमरे में। है क्या मुसीबत है। लड़ाई बंद करो, लड़ना बेकार होता है। तू देख आज इसके बच्चों को यतीम कर दूंगा। यतीम के सर पे हाथ रखना तो स्वभाव है ना। हाँ हाँ यतीम के सर पे हाथ रखना स्वभाव होता है। लो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख दूँ। अपनी बकवास बंद कर, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, उसको जान से मार दूंगा कमीने को, छोड़ूंगा नहीं। आजा मेरे भाई आजा, आजा मेरे गले लग जा, आज दिल कर रहा है किसी बुराई को गले लगा लूं। मैं कहता हूँ लानत है तुझ पे। लानत ना भेज कमीने, लानत ना भेज, अपना मुंह भेज दे। अरे तेरा मुंह किसी लानत से कम थोड़े ही है। मैं कहता हूँ बकवास बंद कर वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। समझो मिल लो अच्छाई तक पहुँचने के लिए बुराई को गले लगाना पड़ता। मैं तो नहीं लगाता गले, तू लगा ले से, बड़ा कमीना इंसान है। मैं मिल लेता हूँ। अबे मामू मेरे से गले मिलेगा क्या? आप ईमान लिया हो, आपसे गले मिल लूंगा, मगर इस कमीने का तो किरदार ही खराब है, ये तो गले मिलते वक्त जेब काट लेता है। जेब मैं अपनी सूरत में लिखवा ले, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, अगर मिलता हो गले मिलेगा तो इस भेड़िया से मिल लूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो गया? निकल लिया ऊपर को। ऊपर को निकल लिया। आ जा उड़ता उड़ता खेलते हैं। उड़ता खेलते हैं। खेल ले। एक। आने दे आज बहुत दिन हो गया। मुर्दे में वजन है। आह। बहुत हेवी है। बहुत भारी है। क्या बात है? आ जा। अरे अब क्या होगा? होना क्या है? फंस गया तू? तू भसेगा, पुलिस आएगी तेरे को लेके जाएगी, ये तेरा नौकर है। ले अब मैं जहन्नुम में फेंकता हूँ। वैसे जहन्नुम में फेंकने क्या जरूरत है, इसका इलाज है मेरे पास। क्या इलाज है? इलाज है अभी बताऊंगा। तो इलाज कर दे। ले तो तू नहीं जानता इतना कमीना इंसान है। मैं चांद देखने छत पे चढ़ा, इस कमनखत ने मेरे गले में सांप डाल दिया, मैं घबरा कर पड़ोसी के घर में कूद गया। पड़ोसी सोचने लगे किसका कुछ और चक्कर है। अपनी मत बता दिए तू कितना बड़ा कमीना है। रोज पड़ोसी के घर में अखबार ढूंढता है, अखबार उठा के लाता है, उसमें तलाक ना मैं देखता है और कहता है कि तू कब बेवाह हो रही है और कब मैं तेरे सिर पे हाथ करूं तुझे तरस खाऊं। अपनी मत बता दिए। अरे कम का तो अपने घर की लड़ाई मुझे क्या घसीट रहे हो? ये घसीटा नहीं, कसाई है कसाई। तुम मुझे कसाई बता रहे? कसाई नहीं है। ये तेली नहीं है। ये पता नहीं जब ये पैदा हुआ था ना तो दाई ने पैसे भी नहीं लिए थे। ये तो कुंजड़ा है। कुंजड़ा बता रहे हैं। मार दे। मार दूंगा तेरे को। ऐसे नहीं लड़ते। छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दूंगा काम। ऐसे नहीं लड़ते। ऐसे लड़ते। तेरे को बता रही है कि मार रही है। चलो आजा। निकल जा। तू छोड़ दो मुझे तो।
काम करेगा या हमारा भी? क्यों नहीं करेगा, जब हमारे घर का नौकर था तो उनके घर का काम करता था, अब हम भी करवाएंगे क्यों जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी कहता हूँ। भाईजान आपका ये नौकर हमारा भी काम करेगा। हाँ हाँ अभी भेज रहा हूँ। अरे वो क्या नाम है तुम्हारा? ऐसे जल्दी भूल गए? मेरा नाम है शेख चिल्ली। अरे शेख चिल्ली, एक काम कर, इनका काम भी कर दे कर, मगर जरा संभल के। क्यों? बड़ा कमीना इंसान है। बड़ा कमीना है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जरा देख लूंगा। चला देख रहे हो, जब देखो घूर घूर के देखते रहते हो, अपना काम करो। मामी अरे इसे कोई काम बताओ ना। अरे तुम आते ही लड़की की तरफ देखने लगे, बताओ जी इसे कोई काम बताओ। करना क्या है, जब चाय बना के ले क्या? और सुन बढ़िया सी चाय पिलाना। ठीक है ठीक है, मुझे सामान बता दो और ये बता दो कहाँ बनेगी चाय। सलमा बेटे जी मामू, इस नौकर को सब कुछ सिखा दो। ठीक है मामू, आओ रसोई का रास्ता दिखा देती हूँ। ठीक है। ये है रसोई, और चाय अच्छी बनाना। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल निकल। अरे मामू अखबार में क्या ऐसा मिल गया जो लगे पड़े हो अखबार में? अरे मिल क्या गया, हर घर की कहानी यही है। एक भाई ने अपने नौकर के साथ मिलकर दूसरे भाई को मरवा डाला। चाय 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 चाय। मामी मुझे तो चाय कुछ ठीक नहीं लग रही। चाय तो बिल्कुल ठंडी है, क्यों मामू? अबे तुझे चाय बनानी नहीं आती, बिल्कुल ठंडी चाय बना के लेके आया। तो क्या इसी बात की तनखा लेगा, बर्फ जैसी ठंडी चाय पिला के? बर्फ जैसी ठंडी चाय? चाय तो मैंने गर्म बनाई थी, असल ठंडी कर दूँ। मेरा पागल बना रहे, अभी बता कर खा लू। अभी बताता हूँ तेरे को, तूने हम सबको फूंक दिया। नहीं छोड़ूंगा, तुझे रंडला करके छोड़ूंगा। हाय हाय इन्हें छोड़ दो, इन्हें मैं पिटता हुआ नहीं देख सकती, चाहे तो मुझे बेवा कर दो। एक काम कर, मुझे रंडवा कर दे। ये खड़ी मैं तो दूसरी कर लूंगा। क्या कहा, इतने दिन से मैं जो यहाँ पड़ी हूँ ला के दिखाओ, मैं क्या सिल पड़ी हूँ। हाय हाय मम्मी यार मुँह क्यों लगते हो खानदान के? चलो जो घटिया खानदान बताया, घटिया खानदान की होगी तू? ये तो मेरा सगा भाई है, आ जा भाई गले लग जा। हाय हाय गले ना लगने दो, मैंने बहुत तारीज गंडे पिलाए हैं, तुम दोनों को अलग करने गया। हाँ। अरे कुछ कह रहा तो क्या है, है तो सगा भाई। हाय हाय ये जमानत तुम्हें क्या कहेगा, जलील तुम्हारे नौकरों को पीट रहा है। अबे ओए तूने मेरे नौकर को मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं कौन सा तेरे को छोड़ने वाला हूँ, तेरे नौकर ने मुझे फूंक दिया। छोड़ो छोड़ो
ठीक है, नहीं बोल रहे तो मत बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे मामू की यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आज ही चले जाओ। तेरे मामू क्या जाना कि अम्मी अभी भी है? जानते ना सही, लेकिन तुमने उनके घर में आग तो लगा दी। अभी लगी कहाँ, अभी लगेगी, जब तक तू माफी ना मांगेगी ना ऐसे ही करूँगा। मेरा नाम शेख चिल्ली है। खूब करो नौकरी, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली ना हूँ। अगर तू घर जाने को राजी है तो तेरे मामू को कोई लड़ाई करूँ, अगर नहीं चली तो क्या कर लोगे? इधर लड़ाई कराई है, पूरा तूफान मचाना है, तेरा गरूर तोड़ना है। शेख को पागल समझ रहे शेख चिल्ली को? शेख जी, ये तुम्हें अच्छा लगता है मेरे मामू के यहाँ खाना बनाना, चाय बनाना? बताओ। अब तो तेरा मामू मेरा चाय बनवाने वाला नहीं, अब तक मैं कैसी चाय पिलाई बना के जा लूं। अच्छा, तो ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है, तुमने मेरे मामू के घर में आग लगा दी। ठीक है, जब तक तू अपने मामू से ये नहीं बताएगी मेरा शेख चिल्ली है और मैं उनकी बीवी हूँ, जब तक ऐसी करता रहूंगा। और तू कुछ बोलेगी नहीं? हाँ हाँ, ना बोलने की। चल तो निकल, निकल ले। नहीं निकल। अरे शेख चिल्ली, तू यहाँ आराम फरमा रहा, अब तुझे पता मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे बता कहाँ से आया, कहाँ जाके कहा था फिर रहा? चुप कर। अच्छा ये बता, मैंने कल तुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता क्या कहा था, मुझे तो तुरंत ही पता रहती है। मैंने तुझे तरकीब सोचने को नहीं कहा था? तरकीब? कैसी तरकीब? अरे वही, मुझे अपने कमीने भाई से बदला लेना है। यानी कि भाई भाई से इंतकाम लेगा, दौलत के लिए भाई को मारेगा? मैं मेरी मानो तो भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, भाई से दुश्मनी करने वाले को दो जगह में भी जगह नहीं मिलती। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बदला लेकर रहूंगा। तब मेरा तो फर्ज था समझाने का, अब तुम नहीं समझते तो भाई से बदला लेना है। हाँ हाँ लेना है, लेना है। ठीक है, तो ऐसी तरकीब बतलाऊंगा कि तुम दोनों भाई पागल हो जाओगे। मतलब बताओ कौन सी तरकीब है? मतलब जो मैं तरकीब बतलाऊंगा ना, बस उसमें थोड़ी सी अदाकारी करनी है। कर लूंगा, कर लूंगा, जल्दी बता। तुम क्या करो? मुर्गाबन, क्या मैं मुर्गा? डरो मत, डरो मत, डरो मत, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, तुम्हारा भाई खुद अपना आप को मार डालेगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जल्दी बता कौन सी बीमारी? वो जल्दी कर रहा, वो बीमारी है मुस्तकेज हनुमा खज्जू। अबे ये कौन सी बीमारी है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? ये बता देगा, ये सऊदी अरब से आई बीमारी। ठीक है, ये सही है। अब सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जाकर ये बताऊंगा कि तुम्हारे भाई को ऐसी बीमारी लग चुकी है कि वो अपने थप्पड़ मारे तो उनके लगता है और अपने कट मारो तो उनके लगेगा। ठीक है, ये तो मैं कर लूंगा। तो मिसाल के तौर पे आप अपने थप्पड़ मारो, ये मानो कि मैं आप हूँ। ठीक है, ये तो मैं करता हूँ। जब तक थप्पड़ जोर से नहीं लगता ना साहब जी, बुरा मत मानना, रियल सर का मजा नहीं आता। इसका मतलब रियल सर पक्की। हाँ सर, तो चलो पहले बेगम को विश्वास दिलाते हैं इस बात का। ठीक है ठीक है, बेगम को साली को पूरा विश्वास दिला उन्हें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ी रियल सर कर लो। हाँ ये ठीक है, करें करो। अबे ये कौन सी बीमारी है जो मैं खुद को मार रहा हूँ? जब बीमारी तो मैं थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, वेरी गुड। ऐसा करो, मैं अपने मारता हूँ, तुम एक्टिंग करना। ठीक है ठीक है ना? ठीक, जोर जोर मारो अपना। हाँ। जोर जोर एक्टिंग करो। ठीक है ठीक है, देखो। अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया। ठीक है, बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए। ऐसे करो, तुम लेट जाओ। लेट जाओ? हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, मैं बेगम को बुलाता हूँ। लेट हो, लेट बेगम जी, बेगम जी। अरे क्या चिल्ला रही है कम वक्त? हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया?
अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जो तेरे मुंह में आती आती सोंदी बकता रहता है, पागल तो नहीं हो गया? बक नहीं रहा मैं, ये मरेंगे बचेंगे नहीं। नहीं नहीं शेख नहीं, बताऊंगा सारी बताऊंगा। अरे ये कौन सी बीमारी है? बीमारी वो है जो जलालुद्दीन के नौकर को लगी थी, ये बचेंगे नहीं मरेंगे। मगर ये कैसे लग गई? ये बीमारी ऐसे लगी, इन्होंने चिड़िया मारी थी, उस चिड़िया ने शराब दे दिया, अब ये बचेंगे नहीं मरेंगे। अपने सर पर मत मारो, अगर तुम अपने सर पर मारोगे तो इनके लगेगी। मगर इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज है बेगम, इलाज है। अगर इनके लात घूंसे पड़ते रहे तो इनका खून चलता रहेगा और मैं मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। ये अल्लाह, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। ये अल्लाह, मैं इन्हें नहीं मरने दूंगी। निकाल देंगे। मैंने दोनों में ऐसी बीमारी लगा दी, दोनों आपस में लड़ लड़के मर लेंगे। चुप रहो, अपना भाषण बंद करो, देख लूंगी तुम्हारे अंदर भी कितनी अकल है। भाषण बतला रही है? मैं तुझे बता, मैंने तेरे दोनों मामू कैसे फंसाए। अगर दोनों में बगावत ना करवा दूं तो मेरा नाम शेखशिली नहीं। हाँ हाँ, अब मेरा पीछा छोड़ो और अपना काम देखो, हम भी देख लेंगे जब करोगे बगावत। मेरी बगावत में शक कर रही है? देख ली मेरी बगावत, मगर एक शर्त है, किसी को बताएगी नहीं। ठीक है जाओ। अब लूंगी चुन चुन के बदला, बहुत मारते थे मुझे। ये ले। अरे दांत निकालेगी क्या बेगम? अब सिर में मारूंगी, कमबख्त मर जाऊंगा। अब करवट में मारूंगी। अब पिछोंडे पे मारूंगी। आप देख कहाँ मारती हूँ। बहुत दीजिएगा, मत मारो, मर जाऊंगा। आई समझ में? अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े मारते थे ना मुझे खटिया पे घेर घेर के। क्या करिए बेगम, कम मारोगी ना?
जान से मारोगी ना? अरे मुझे नहीं मारते थे क्या? ये तो मर जाएंगे, खुदा के वास्ते छोड़ दो। तुम कहते हो तो बकस देती हूँ, नहीं तो इन्हें आज छोड़ती नहीं मैं। देगा अब फांसता तुम्हारे भाई को। हाँ ठीक है ठीक। चिल्ली इधर। आप बोलो क्या बात है? ये अंदर आवाजें कैसी आ रही थी? अगर तुम ना बोझो तो ठीक है। क्यों? उनके घर खतरनाक बीमारी है, अब वो बचने वाले नहीं है, मरेंगे। खुदा करे उनके घर में कभी खैरियत ही ना रहे। मगर तुम्हें किसने बतला दिया? अरे वही तो सुन के आया हूँ, अंदर से जो आवाजें आ रही थी। ओ तो सुनो, उनके घर बहुत खतरनाक बीमारी लगी हुई है उनके, वो बचेंगे नहीं। अभी ऐसी खुशी की बात तू मुझे जल्दी बता, जल्दी बता जल्दी। ऐसे ही थोड़ी बदला दूंगा, माल लूंगा माल, क्योंकि इस बीमारी में आपका फायदा है और आपका इंतकाम भी पूरा होने वाला। मेरा फायदा? अरे जल्दी बताओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मेरा दुश्मन मर रहा है, जल्दी बता। मगर ऐसे नहीं बतलाऊंगा, पैसे लूंगा पैसे। 100 रुपए दिए। 100 रुपए? आदमी खरीद रहा पिल्ला। चल पूरे 500। 500 रुपए में क्या आएगा खुदा के बंदे, 500 रुपए में गेहूँ की बोरी भी नहीं आती। तो चल अब फाइनल डील करता हूँ। हाँ। 1000 रुपए। इतना मंदा? चल 2000 रुपए डन। ठीक है, ये नौकर आपका हुआ। अब बता दी जल्दी बता दी कि क्या बीमारी है? ये बीमारी है नजरिया रंगीले कैंसर। अबे ये कौन सी बीमारी है? इस बीमारी में एक खासियत है, अगर आप अपने कट मारोगे तो तुम्हारे भाई के लगेगा, अगर आप अपने डंडा मारोगे तो तुम्हारे भाई का सर फूटेगा, अगर आप अपने थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारे भाई का लगेगा। सच? ऐसी एक चिल्ली की बात को झूठ मान रहे हो? झूठ मान रहे तजुर्बा कर लो। अब बताऊंगा तू सच तो बोल रहा है? अगर आपको यकीन नहीं है तो तजुर्बा कर लो। हाँ हाँ तजुर्बा करवाओ। तजुर्बा करो। मार वाह वाह वाह, चिल्ला रहे तू, और मार। अब ऐसे करो, तुम अपने भाई से बदला लेना। हाँ। मैं तुम्हें एक तरकीब बतलाता हूँ। हाँ। मैं बम लाता हूँ, बम। हाँ। और उसे सटक लो। ना 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 ना, बम नहीं, डरो मत, कुछ और बता। वो फटेगा ना? वो फटेगा ना? ना इधर ना, ना। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं एक मिट्टी का बोतल तेल की लाता हूँ, एक मिट्टी की बोतल की तेल लाता हूँ। नहीं नहीं है? नहीं नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, कुछ और बता दे। मिट्टी का तेल अगर पियोगे मैं परसमाची डाल दूंगा, वो जलेगा। नहीं 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 नहीं, से कोई और तरकीब बता, मुझे कोई ऐसा उपाय बता कि वो कुत्ता मेरे सामने पिटे, मेरे सामने। यहाँ लाना चाहते हो? हाँ यहाँ। बुलाऊं? बुला दो। ठीक है, सोचता हूँ। आगे 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 देखो। अबे सोने कंबत गंजा करेगा क्या? गंजा कर दे मेरे को, उसको यहाँ लेके आ। बता, मार मार मार, देख कमीना कैसी रो रहा है, मार और फिर से मिलो गंजा। छोड़ दे मेरी, छोड़ दे मेरी, छोड़ दे मेरी, ऊपर एक बाल नहीं बचना चाहिए। मेरी मानो तो अब लड़ो मत। अरे तुझे नहीं पता तू नौकर है, तेरे को जितना खाए उतना कर। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे से क्या खूब मार मार साले, तू जान संभालते। तो अब देख ये मर रहा है कमीना, मर रहा है, देख ये देख, अरे ये अल्लाह, अरे ये देख, अरे अरे देख, देख अल्लाह मर गया, आज पूरे बदले लूंगा गिन गिन के। अभी तो मैं इसकी आंखें ना 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 फोड़ूंगा, फोड़ूंगा छोटू नहीं, और ये देख ये ले,
फूट गया शेख, शेख फूट गया। अरे बेटा शेख कैसे रो रहा है? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, शेख शेख, हाँ कैसा चीख रहा है कमीना? कहाँ है कमीना? छोड़ दी मेरी, मेरी आँख छोड़ दी। देख अगर आज मुझे खुदा चार हाथ दे देता ना तो मैं इस कमीने के बोटियाँ भी नोच लेता। सरकार ये हाथ तुम्हारे हैं, इन अपने मानो। कहाँ है? यही है। से फिर मार दे क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है मामू लड़ रहे हैं, चलो जरा देखते हैं। अरे लड़ते रहो मेरी बला से, मैं ना जाने वाली। मामी मुझे लगता है हमारे घर में जो नौकर है ना वही लड़ाई कराता है। अरे वो नौकर क्यों लड़ाई करवाता, जब अपनों में ही सुलूकना है तो मैं ना जाने वाली। जा मानती हूँ, लेकिन हम दोनों की लड़ाई में मेरे मामा का क्या कसूर है? क्या तुम दोनों की लड़ाई? हाँ मामू, ये मेरे शौहर है और मैं अपनी ससुराल से लड़ाई करके आई थी, और मुझे शेख जी ने ही मना किया था कि अपने मायके में बताना मत कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अरे शेखू तू, अरे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं पहले बता देता तो सलमा मानती क्या? मानती, और सलमा आगे भी चिंता रहता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे घर की लड़ाई में हमारे घर की बड़ी चढ़ाई जा रही थी। बा बड़ी नहीं चढ़ाई जा रही, ये भी अंधे थोड़ी है, मरे थोड़ी है। वामो खड़े हो जाओ। अच्छा सलमा तू अपने घर जा।